फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखेंगे ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंकीय प्रश्न में हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो संभवतः इस साल भी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपका इस प्रकार कहा गया है, पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, पूरा हम आपको सॉल्व करके दिखलाएंगे जो भी क्वेश्चन में कहा गया हो। नहीं, क्वेश्चन में कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु, एक 4 मीटर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। क्या आपका पूरक है? तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। साबित करके दिखलाना है कि मीनार की जो ऊंचाई निकलेगी वो आपकी 6 मीटर निकलेगी। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका एक मीनार, कोई ये रहा आपका कोई मीनार जिसको हम ए और बी कह सकते हैं, ए भी कोई मीनार है। अब मेरे पास उस तरफ तो जगह नहीं, इसी पर है। अब मीनार के आधार से, मीनार का ऊपर का हिस्सा शिखर कहलाता है, निचला हिस्सा आपका आधार कहलाता है। तो इस आधार से दो बिंदु है, वो एक सीधी रेखा में, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया सरल रेखा में, पहली बिंदु 4 मीटर पे है, दूसरी बिंदु 9 मीटर पे है। तो चलिए हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ऐसे सीधी रेखा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है सी और यहाँ पे कोई बिंदु है, उसका नाम रखते हैं डी। तो पहले आधार से जो पहली बिंदु जो सी है, इसकी दूरी कितनी होगी? 4 मीटर होगी। और दूसरी बिंदु यानी कि दूसरा बिंदु कौन है? वो आपका 9 है। तो बी से लेकर डी तक की जो दूरी होगी वो आपकी 9 मीटर होगी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये हो जाएगा आपका डी से लेकर बी तक, यानी आधार से दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर हो जाएगी और पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कहा गया कि दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर कहाँ पे है? ए पे है। तो दोनों बिंदु को आप शिखर से मिला दो मीनार के, चलिए मिला देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ मिला दीजिए ऐसे, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है? दोनों मिला दिए यहाँ, दोनों मिला दिए। अब जो उन्नयन कोण जो होगा वो कहा गया पूरक है। यहाँ पे कोई भी कोण क्लियर रूप से नहीं कहा गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा नहीं है, बोला गया पूरक है। तो पूरक आपको समझना पड़ेगा, पूरक कहते हैं जिस दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो वो आपका पूरक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे कहें कि एक कोण आपका 50 है, कितना है? 50 है। तो 50 का पूरक क्या होगा? 50 का पूरक क्या होगा? तो उसको दो सेंस में हम लोग समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि 50 में हम क्या जोड़े जो 90 हो जाएगा, तो आप कहेगा 40 जोड़ेंगे। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आप 90 में से 50 को घटा दीजिए, आपका 40 ही आएगा। तो ये वही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। मान लीजिए कि इस एंगल को हम थीटा माने, कितना माने? थीटा, ठीक है? क्योंकि आप 40-50 वहां मान नहीं सकते हैं, हम यहाँ पे एंगल मान लिए थीटा। तो ये जो एंगल आएगा, जैसे देखिए हम पहला एंगल मान लिए 50, कितना मान लिया? 50। तो दूसरा क्या आएगा? तो 90 में से हम पहला एंगल को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा। अब वैसे भी आपको पता चल रहा था कि 50 में कितना जोड़ा जाए कि 40 पूरे 90 पूरेगा, तो 40 तो आया कैसे? 90 में से हम लोग 50 को, यानी कि पहला कोण जोड़ भी रहेगा उसको 90 में से घटा देंगे, जो घट के आएगा वो आपका पूरक कहलाएगा। इसी से मिलता जुलता एक होता है संपूरक। तो संपूरक में क्या करते हैं? 180 में से घटाते हैं, याद रखिएगा, संपूरक में 180 में से और पूरक में 90 में से। तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, ठीक है? अब चलिए, ये तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको मान लेते हैं थोड़ा सा और आपका आंसर निकाल देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पहले मान लीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसा माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना मीटर? एच मीटर। ये मान लिए कि मीनार की ऊंचाई है कितना है, वो एच मीटर है। और यही हमें साबित करके दिखलाना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर होनी चाहिए, यानी कि एच का जो वैल्यू आएगा वो 6 मीटर आएगा। चलिए फिर ले लेते हैं यहाँ पे, एवं मीनार के आधार से, 5 नंबर वाले में पूछा जाता है क्वेश्चन, मीनार के आधार से
चार मीटर एवं नौ मीटर पर क्रमशः सी एवं डी है, ठीक है। मीनार के आधार से चार मीटर पे सी और नौ मीटर पे डी स्थित है। क्या करना है, बनाना है, तो सिद्ध करना, लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्ध करना है कि ऐसा कर सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, छः मीटर हमें सिद्ध करना है। चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, प्रमाण लिख लीजिए, यहाँ से हम लोग साबित करके दिखलाते हैं कि छः मीटर कैसे आएगा। आप सबसे पहले देखिएगा तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका ए बी और सी, जिसमें ये वाले इसका कोई काम नहीं होगा, आपको ए बी सी दिख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पर लंब होगा, ये आपका आधार कहलाएगा। तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एंगल है, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका टेन का, किसका होता है टेन, टेन। एंगल कितना है, तो एंगल आपका थीटा है, थीटा लिख लीजिए। लंब कितना आपका है, तो एच है, और आधार कितना है, नीचे में कितना है, चार, इसे कर लीजिए समीकरण एक। बहुत सारे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है, हम आपको पूरा प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर डाले हुए हैं, हर एक क्वेश्चन हम आपको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई या दूरी का बता चुके हैं, वहाँ से भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल होता है, मान होता है 30, 45, 60 का, तो मान रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आइए, फिर जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो बनेगा त्रिभुज, मिलाते चलिएगा, ए बी और डी बनेगा। दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ठीक है। इस ये आपका ये वाला मत लीजिएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री यानी कि एक बिल्कुल सीधा भुजा होनी चाहिए। यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ पे एंगल बन रहा, तो सामने वाला लंब का लगा, अब यह आधार का लगा पूरा, तो आप लिख सकते हैं टेन, एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, इक्वल लंब कितना है आपका एच है, और आधार का होगा पूरा होगा, तो पूरा कितना आपका, तो 9 है, पूरा कितना आधार है 9 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को फॉलो कर दिया, ये टेन 90 माइनस थीटा का होता है आपका, वो होता आपका कॉट थीटा, लिख लीजिए यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल एच बाई 9, समीकरण कर दीजिए आपका इतना 2, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा का होता है आपका कॉट थीटा होता एच बाई 9। अब क्या करते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो को गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा समीकरण एक गुना समीकरण दो। समीकरण एक में देखिएगा, चलिए यहाँ बता देते हैं, समीकरण एक में देखिएगा, समीकरण एक में बराबर के पहले क्या आपका टेन लिखा हुआ, टेन लिख लीजिए, टेन थीटा गुना, यहाँ क्या आपका समीकरण दो में पहले बराबर के पहले, तो कॉट लिखा हुआ, तो कॉट थीटा बराबर एच बाई 4 है, तो एच बाई 4 कर लीजिए, गुना एच बाई 9 है, तो एच बाई 9 कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब फिर फॉर्मूला होता है टेन थीटा गुना में कॉट थीटा, उसका वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 कर लीजिए, इक्वल यहाँ गुना कीजिएगा तो एच को एच से गुना कीजिएगा एच स्क्वायर, बटा 4 को 9 से गुना कीजिएगा 4×9=36 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको हम लोग कैचिया गुना भी कहते हैं, कोना का नहीं गुना कहते हैं, एच स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 36 को 1 से गुना कीजिएगा आपका 36, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर आ जाएगा आपका रूट, तो एच बराबर हो जाएगा आपका रूट 36 प्लस और माइनस, एच का वैल्यू प्लस माइनस 6। अब ये बताइए मीनार की ऊंचाई कोई भी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है, कोई भी दूरी कोई भी आयु कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो ये जो एच का वैल्यू है वो प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है, लेकिन अब हम मीनार की ऊंचाई जब लेंगे तो माइनस में नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए मीनार की जो ऊंचाई निकल गया यानी एच का था मेरा, मीनार की ऊंचाई देख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई एच मीटर माने थे, मीनार की जो ऊंचाई निकल के आई, ऊंचाई बराबर कितना होगा 6 मीटर, ये कर देंगे हम अपना प्रूव्ड, आंसर नहीं करेंगे प्रूव्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें साबित करना था और हमने साबित कर दिया कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ही आएगी पूरा प्रोसेस के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये हाइट एंड डिस्टेंस का यानी कि ऊंचाई या दूरी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो ये क्वेश्चन आपको संभवतः एग्जाम में आने वाला होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन बताए हैं आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ जो चैनल पर नए होंगे, जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन का जो वीडियो हो या क्लास जो लगातार ऑनलाइन माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।